सो गाइस, साकिब को मैंने अंदर छोड़ दिया है। अभी मैं जा रहा था यहाँ से 10-11 किलोमीटर दूर पे, मेन आगरा जो है स्टार्ट हो जाएगा। मेरे साथ उल्टा हुआ है, यूट्यूबर मेरे से मिलने आए, वाह यार। सो गाइस, ये अंदर जाने नहीं दिए, बोल रहे हैं कि अब। अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज आकिब नदीम, यू आर वाचिंग मी ऑन चैनल आई एम खान, आई एम बैक अगेन विद अ ब्रांड न्यू व्लॉग। आज हम आगरा निकलने के प्लानिंग में, क्यों? क्योंकि साकिब का आज एग्जाम, उसका है आज नेट का एग्जाम, तो उसके लिए हम लोगों को आगरा जाना पड़ेगा। मेरा नहीं है, मैंने फॉर्म नहीं फिल किया हुआ था, मेरी कोई प्रिपरेशन भी नहीं है, मेरा भी कोई देने का इरादा भी नहीं है। अभी मैं बाहर ही था, डिसर्टेशन सबमिट करने गया था मैम के पास अपना, वो फाइनली हो चुका है, तो मतलब वो दे दिया फाइनल ड्राफ्ट उनको दिया हुआ सुपरविजन के लिए। उसमें अगर कोई गलती नहीं निकलती तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसको सबमिट कर देंगे। उसके बाद फिर मेरा घर जाने का टिकट भी है जो निकल चुका है, मैं भी जल्दी घर निकल जाऊंगा इंशाल्लाह। जल्दी जल्दी इसलिए बोला हूं, जल्दी से निकलना, वो वेट करा उधर। अभी कुछ सामान लेते हैं, पावर बैंक वगैरह रखते हैं, फोन में चार्ज है नहीं। पता चला व्लॉग करते करते बीच में फोन की बैटरी लुल होगी तो मेरा बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो इसके लिए मैं पावर बैंक रख लेता हूं। और जो कुछ सामान है जैसे पानी वगैरह रख लेता हूं, प्यास लगेगी, बाकी सब पड़िया, जल्दी से निकलते हैं। धूप में निकलने से पहले जरूरी है हम अपनी त्वचा का ख्याल रखें। त्वचा का ज्यादा ख्याल तो रख नहीं पाता वैसे, क्योंकि मैं इतना ज्यादा कोई सीरियस रहता नहीं हूँ त्वचा के लिए, बट आजकल थोड़ा बहुत होना पड़ता है क्योंकि धूप है बहुत शिद्दत वाली, तो मुझे स्लीव एक्सटेंडर्स पहनने पड़ रहे हैं। आप स्लीव्स वाली शर्ट पहनता हूं, तो इसीलिए थोड़ी मजबूरी है मेरी। और वजह क्या है पहनने की, कि जब वजू करता हूं उसको बार बार फोल्ड करके ऊपर करना नीचे करना, लेजी किस्म का आदमी हूं ना, तो जरूरत के हिसाब से हमने पानी भर लिया है। पावर बैंक चेक, यस भाई, और तो कुछ बचा नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस मेरे शेप में रहता है, हेलमेट लेना बाकी है, हेलमेट है लेते हैं दोस्तों। सो गाइस, सब हो गया, निकलते हैं अब। क्या धूप है रे बाबा। गाइस, हमने थोड़ी सी मंजिल अपनी तय कर ली है। यहाँ से आगरा जो है 75-80 किलोमीटर है, हमने 1 किलोमीटर तय कर लिया है। कितने बाकी है? 79 बाकी है बस। खैर, साकिब का वेट कर रहा हूँ, आ जाए फिर निकलते हैं। ये मोबाइल फोन होल्डर जो है ना, इधर ऊपर से थोड़ा ढीला है, इसको फेविक्विक से जाम करने वाले हैं। मेटल का नहीं है ना ये? हाँ, मेटल नहीं है, पूरा प्लास्टिक है। अब हम अपनी स्टार्ट करते हैं जर्नी, काफी धूप है। अल्लाह ताला इस धूप से बचाए, हमको सही सलामत आगरा पहुंचाए। अभी 50+ किलोमीटर बचे हैं, 50-55 के अराउंड है, बहुत तेज वाली धूप है। सेंटर तो पीछे ही था, उधर ही कहीं, बट हम लोग थोड़ा आगे आगे क्योंकि हमें कुछ खाना पीना था। और जोर की धूप भैया, प्यास लगी है जोर की, और कुछ खाएंगे भूख लगी। सो गाइस, अपना खाना आ चुका है, इधर है मिक्स वेज, इधर है दाल, और इधर रोटी। पहले से खाते हैं, उसके बाद फिर आगे का कार्यक्रम शुरू करते हैं। अब इधर से निकलते हैं। अच्छे से एग्जाम देके आओ। सो गाइस, साकिब को मैंने अंदर छोड़ दिया है। अभी मैं जा रहा था यहाँ से 10-11 किलोमीटर दूर पे, मेन आगरा जो है स्टार्ट हो जाएगा। मेरे एक सब्सक्राइबर है जो मेरे रूम पे आए थे मिलने के लिए मुझसे रमजान के वक्त में, साहिम अंसारी नाम था उनका, उनको कॉन्टैक्ट कर लिया है, साहिम भाई को, जा रहे हैं उन्हीं से मिलेंगे, फिर देखते हैं वो कहाँ लेकर जाते हैं। 3 घंटे काटने भैया, 3 नहीं 4 घंटे, 6 बजे तक ये फ्री होगा साकिब यहाँ से। We were young, but stars on the wall, praying we're the ones that the teacher wouldn't call. We would stare at each other, cause we were always in trouble. And all the cool kids did their own thing. I was on the outside, always looking deep. I would care what I wasn't. They never really cared if I wasn't. We all need that someone who cares to like them. हेलो एवरीवन भाई, सच में पता है, मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। आपने सबने ये देखा होगा कि ना, मतलब सब्सक्राइबर किसी का वो मिलने जाते हैं यूट्यूबर से, आज मेरे साथ उल्टा हुआ है, यूट्यूबर मेरे से मिलने आए, वाह यार। पूरा पसीने से भीग चुका हूँ। अरे बहुत ज्यादा भाई, चलो घर। क्या नाम है? शाज़िब। एक मिनट रुको, क्या है, जहाँ जाऊँ छोटे सब्सक्राइबर जरूर मिलते हैं, बड़े मिलने चलना मिले। तो गाइस, पहुँच गए हम आराम से, अभी कुछ देर आराम करूँगा, उसके बाद फिर मेरी जोर भी छूटी हुई, वो पढ़ेंगे, उसके बाद फिर
फिर बाकी देखते हैं क्या करना है। मैं तो कह रहा हूं घुमाने ले जाऊंगा मैं तो। जाएंगे इंशाल्लाह। आगरा की गर्मी से बचने का उपाय हमारे पास है। असर का वक्त हो गया, जा रहे नमाज पढ़ने। ये इतने सारे बच्चे भी हैं, ये भी जा रहे नमाज पढ़ने। और ये जनाब बगल में भी है। ये सारे हॉस्टल्स हैं। सारे बॉयज हॉस्टल हैं डॉक्टर्स के। अच्छा, डॉक्टर्स के हॉस्टल हैं सब। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना रहे हैं। हॉस्पिटल है, ओके। अलीगढ़ चले जाओ चाहे आगरा, हॉस्टल से पीछा नहीं छूट रहा है। हॉस्टल वाली मस्जिद मिल रही है। मुगलों के शहर में भी आके हॉस्टल वाली मस्जिद में नमाज है। ये सामने मेट्रो का काम चल रहा है, बहुत तेजी का काम चल रहा है। एक हफ्ते का काम है, एक हफ्ते में कर दिया इन्होंने इतना। अरे वाह, एक अलीगढ़ स्मार्ट सिटी बन रहा है पता नहीं कितने सालों से। वो बनेगा 100 साल में जाके। गाइस अपनी असर की नमाज हो गई, सैम भाई चाय पी रहे, फिर इधर से निकलते हैं। साकिब का भी एग्जाम लगभग हो गया होगा क्योंकि 6 बज चुके हैं। अब फोन आ जाए फिर डिसाइड करते हैं आगे क्या करना है। सो गाइस, साकिब का जो है कॉल भी आ गया है, अब हम जा रहे हैं उसको पिक करने के लिए। बाकी ये धूप तो कम ही नहीं हो रही है, 6:15-20 हो गया अभी तक धूप ये कम नहीं हुई है। ये आगरा की गर्मी है। ये आगरा की गर्मी जानलेवा है। Cause we were always in trouble. And all the cool kids did their own thing. I was on the outside, always looking in. Yeah, I was there, but I wasn't. They never really cared if I wasn't. We all need that someone who cares. Guys, Saqib मिल गया है। अभी हम लोग रामबाग में थे, अभी इधर से देखते हैं कहाँ जाना है। So guys, ये अंदर जाने नहीं दिए, बोल रहे हैं कि अभी टाइम जो है ख़त्म हो चुका है। हम लोग को लेट भी हो गया, वैसे 7 बजने वाला है। कोई नहीं, अब इधर से निकलते हैं। सो गाइस, अपनी मगरिब की नमाज़ हो गई है, देख रहे हैं पूरा शाम हो चुका है। इधर मंदिर भी है सामने, घंटा बज रहा है उधर, इत मस्जिद। चलिए 9 बजने वाले हैं, अभी हम निकल रहे हैं इधर से। अब कुछ खाएंगे, उसके बाद फिर वापस अलीगढ़ के लिए निकल जाएंगे। जितनी रात होगी उतनी नींद आएगी, उतना गाड़ी चलाने में फिर परेशानी होगी। To cry and friend through the highs and the lows. Not gonna make it a lot, la 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 la. अपना खाना पीना हो गया, भाई ने बड़े अच्छे से खिलाया हम लोगों को। चलिए शुक्रिया। Teacher wouldn't call her, we would stare at each other. Cause we were always in trouble. Not the cookies, did our own thing. निकलते हैं, भाई को भी अलविदा बोल दिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। चलिए ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या लगेगा? कितना बज रहा है टाइम? 12:10 हो रहे हैं, जस्ट अभी अभी पहुंचे हैं। ऐसी बॉडी की कुंडी लग गई है ना, लिटरली मतलब लॉक हो चुका है, हड्डी उड्डी एकदम साथ नहीं दे रही है मेरे। खैर, आगे मामू लोग भी खड़े हैं, वो देख रहे हैं क्या कर रहे हूं मैं। तो निकलते हैं इधर से जल्दी से और जाके चुपचाप सो जाते हैं। मिलते हैं नए ब्लॉग में। अगर आपको वीडियो पसंद है इसको शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ब्लॉग्स बनाते रहता हूं, मिलते हैं नए ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। जल्दी वहां से हटो, आओ बैठो। हालांकि इसके बहुत सारे नाम लोगों ने दिए हुए हैं, भाई या खातून जैसा है, लड़कियों जैसा है, फलाना ढिमकाना। भाई क्या करें, मैं हाफ स्लीव शर्ट ही पहनता हूँ।